जल्दी मारो मारा मारो बस ये बात वो दबाए अगला मूवमेंट इसका ही अगमपुरम होगा तब जाके चुड़चकाल का एक एप्लीकेशन अंदर और बाहर है ना अब इसमें ये जो पुरमकाल है पुरमकाल इज मोस्ट इंपोर्टेंट लेग रेसेस इन कलरीपाई ठीक है अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो पैरों की जो छोटी उंगली है जो पैरों की छोटी उंगली है उसको आपको अंदर को प्रेस करना है क्या कर रहा है अंदर को प्रेस कर प्रेस करने के प्रेस करते वक्त क्या होगा एक एक जोर पड़ेगा एक जोर जोर से अंदर को लोगे ये पैर को एकदम से छोड़ के मारना है आप यू नो इसको बोलते हैं कुकड़ा वड़ी में प्रयोग कुकड़ा वड़ी में क्या होता है जब हम छोटी उंगली को पूरा अंदर लेते हैं और उसको झटका देके एकदम मारते हैं अब आप सब अपनी छोटी उंगली को अंदर दबाओ उसको प्रेस करो एक प्रेशर आ रहा है छोटी उंगली सिर्फ छोटी उंगली को अंदर दबाओ एक प्रेशर आ रहा है इसी प्रेशर को हमें लेना है और इसी प्रेशर को सीधे करके मारना है अच्छी तरीके से जो प्रेशर है उसको सीधे में मारना है समझ में आया तो अब इसको हाइट बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे पुरमकाल जो है पुरमकाल इन चाड़ी यानी कि चाड़ी पुरमकाल भी बोल सकते हो कि जम करके पुरमकाल मारना है तब हम क्या करेंगे हाथ को ऐसे रखेंगे आप लोग अपना हाथ को ऐसे रख के राइट पैर को आगे रख के लेफ्ट उठा के एम करना है कहाँ पे राइट हैंड में एम कहाँ करोगे राइट हैंड में उछल के आपको मारना है एक बार आज उठ एम कहाँ पे है इस हाथ पे है ठीक है थोड़ा सा हाथ ऐसे रख सकते हो ताकि आप इस पे मार पाओ बिल्कुल ऐसे सीधा रखोगे तो प्रमुख लगेगा ठीक है अब राइट पैर को आगे रखे उछल के मारिए इसी हाथ में राइट पैर अगेन गो ओके राइट हैंड पे राइट लेग राइट हैंड पे वन सेकंड एक हाथ बेटा एक पैर बन सके देखो अरे ये पैर पीछे है ना यही पैर को आगे लेके जाना है और एक बार वन कदम यहाँ से एक ही कदम और लेफ्ट उठाना है और राइट मारना है ठीक है दो तीन बार नहीं है राइट रखा आगे उछल के ये मारना है बस ठीक है रेडी गाइस राइट पैर पीछे गो जंप वन लेफ्ट को ऐसे मत ले जाना लेफ्ट को ऐसे उठाना आगे रखो बोल रहा हूँ मैं गो रखा लेफ्ट राइट उठा के लेफ्ट मार रहा है वन सेकंड लेफ्ट पैर पीछे लेफ्ट उठा के जस्ट आगे रखो और राइट उठा के लेफ्ट मारो सेम हाथ पे गो वन सेकंड लेफ्ट आगे रखो लेफ्ट से ही उछल के मारो गो अगेन गो अब दोनों पैर से मारेंगे पुरमकाल कैसे दोनों पैर को उछल के मारना है और कहां पे हाथ पे मारने की अभी जरूरत नहीं है लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों पैर आपका पुरमकाल में जा रहा है गो जो ऊपर मारो अच्छी तरह गो थ्री दोनों पैर से पुरमकाल मारना है बालो गो फोर गो फाइव गो सिक्स गो सेवन गो एट मुझे गो नाइन गो टेन अंदर और बाहर है ना इसी प्रकार से एक चुड़चकाल का दूसरा एप्लीकेशन क्या है लॉक एंड हिट टू वेयर 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 स्टमक पेट यानी कि सामने वाले के पूरा बॉडी वेट को लेना है और उसके बाद इसे पुश करना है अभी हम अगमपुरम को प्रैक्टिस करते हैं अगमपुरम दो जोड़ी बनाओ फटाफट अटैक बिल्कुल सपोज इमेजिनरी रियल में नहीं मारना जस्ट प्रैक्टिस योर सेल्फ राइट ये अटैक करो ये वाला पंच सामने पंच राइट ठीक है कौन से पैर आ गए राइट
से पैसे पुरम कल करता है तू? ये रेट है, अब इसको अपने राइट से घुमाओ। मागे घुमा दिया, गिर टूटा है नीचे, ऊपर से नीचे को दबाया इसको, ये दबाया, अब ये दबाते ही पुरम कल पर वापस इस दुकान पे। अब जब ये मारेगा, मार मार, ये ब्लॉक है वहाँ पे, ब्लॉक, ये ऐसे रखने से ब्लॉक नहीं होगा, तरीके से रखना पड़ेगा। ये दबाओ उसको, अगम कल मारो, ये दोबारा मारो, दबाओ जल्दी मारो, ये दोबारा मारो, समझ में आया तरीके से, जल्दी इधर पुरम कल ढंग से नहीं उठ रहा, मार ये दोबारा मार, ये इस तरीके से ब्लॉक हो रहा है, समझ में आया? तो पंच जो है बना बना के बद दो, थोड़ा बहुत ढंग से ही दे दो, अगर ना हुआ ना पुरम कल में तो पहुँच ले दो छाती। जो चाउटी पुरम काल है वो एक अलग सिनेरियो है, उसमें क्या होता है कि बंदा खड़ा है वहां पे और उसने अटैक किया, रह गया, मैं उछल के मार रहा हूँ उसको सीधा। जब अगम पुरम जब हो रहा है, चुरश काल में जब ब्लॉक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर मुझे कुणाल को मारना है, पास आओ, अगर मैं कुणाल को मार रहा हूँ तो मैं कुणाल के पास जाके ही मारूंगा ना, इतना ये लगेगा। अब इसलिए समझ में आया आपको कि पुरम काल में पैर पूरा इन आना चाहिए करके, क्यों? पास में है बंदा, अब इतने पास में से चुरचकाल करके ब्लॉक कर रहा है, पास में से चुरचकाल करके ब्लॉक कर, मुंह पे मत मारियो, हाँ मार मार, ब्लॉक कर उसको, पैर उठा के ब्लॉक कर, चुरचकाल दबा, दब रहा है, यही आना है। अब समझ में आया, चुरचकाल को मैं बोलता हूँ अंदर लो, क्यों बोलता हूँ चुरचकाल को? जब क्लोज कॉम्पैक्ट में बात आ गई तो ये इस मामले में क्या होगा, थोड़ा पीछे जाके चुरचकाल करेगा, जैसे आया थोड़ा पीछे गया, अब चुरचकाल किया और ये मारेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब पुरम काल उठाएगा तब भी मैं दूर हूं, तो ये पॉसिबल तभी है जब आप चुरच काल को बहुत इनसाइड। अब एक बार चुरच काल सारे करके दिखाओ मुझे एक बार, हम कलरी में प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे, हाथ को रखो, हाथ को लेफ्ट हैंड को रखो आगे और राइट हैंड को इनसाइड इसी वाइट में मारो, अंदर ब्लॉक करो उसको, गो हिट अगम एंड वापस पुरम, दोबारा राइट पैर पीछे रखो, रखो इसको अगम और वापस पुरम। तो ये एप्लीकेशन में होते वक्त क्या है, एप्लीकेशन में क्या हो जाता है, ये क्लोज पे है तो अब अगम काल लेना है। अब देखो अगम काल लेके नहीं हो रहा, अगम काल आपसे अंदर हो, थोड़ा अंदर ले, नेक्स्ट बना दो, ये क्लोज में गया ये, अब यहीं से पूरा मुठा, ये समझ में आ रहा है? तो ये अगम काल जो है ना, जो चुरच काल है आपका, चुरच काल उतना बढ़िया से वेरी, अगर यहाँ पे तो इतने में से ही अंदर आना है, चुरच काल को बाहर थ्रो नहीं करना, चुरच काल इनसाइड, व्हेन यू प्रैक्टिस योर चुरच काल इट शुड बी इनसाइड, देन दी पुरम काल साथ में। अब दोबारा एक बार चुरच काल हाथ में मार के दिखाओ सब लोग एक साथ, वलत एकम पुरम, दोबारा ताकत लगा के मारो अच्छी तरीके से, ऐसे कैसे ब्लॉक करोगे, वलत एकम पुरम, ठीक है। अब जोड़ी बना के साथ में एप्लीकेशन के साथ प्रैक्टिस करो उसको। ब्लॉक भी समझो, पुरम काल का जो ब्लॉक, पुरम काल का जो आ रहा है ना कान पे सीधा इधर, वो ब्लॉक तरीके से आ रहा चाहिए, सही इनवर्ट है, हाँ ये पुरम काल तो इधर से आएगा ना, वो मैं समझ रहा हूँ, उसके बाद ये मारा जैसे ही उसने ये दबाया, क्या कर रहे यार, क्यों खाया मेरे तरफ, ये तो पता चलेगा कि अपना कान बचाना है। एवरी मार्शल आर्ट का सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है, जब सबका कंसर्न सिर्फ एक ही है कि आपको सेल्फ डिफेंस सिखाना या आपको एक फियरलेस आदमी बनाना या आपके हाथ पैर ढंग से काम कराना, चालू रखना, सिखाना। अब कंपेयरिंग टू अदर मार्शल आर्ट, टू कलरी पाइट के अंदर ये है कि कलरी पाइट एक एंशियंट वे ऑफ मार्शल आर्ट है, इसके तौर तरीके पुराने हैं। आज के जो मॉडर्न मार्शल आर्ट है उसके अंदर आपको जूते, बेल्ट, हेलमेट, एवरीथिंग इज देयर, बट हमारे में नहीं है।